बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक अस्पताल पहुंच गए। नीतीश कुमार अस्पताल गए, किसी को यह भनक नहीं लगी कि आखिर वो क्या करने गए थे। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसके बाद चर्चा तेज हो गया है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं? क्या मेडिकल चेकअप के लिए सीएम गए थे या नीतीश कुमार अस्पताल में डॉक्टरों से मिलने गए थे, अस्पताल के किसी अन्य काम से? सरकारी अस्पताल नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो बिहार के अस्पतालों को दुनिया का सबसे बेहतर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। पीएमसीएच को बिहार नहीं देश का बड़ा अस्पताल बनाने की बात मुख्यमंत्री खुद करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह तस्वीर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो मेदांता जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराते हैं। आखिर मुख्यमंत्री क्यों गए थे? अगर मुख्यमंत्री जी चेकअप कराने गए हैं तो नीतीश कुमार को बिहार के स्वास्थ्य महकमे पर कोई भरोसा नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य महकमे की तस्वीरें अक्सर आपने कई दफे देखी होगी कि अस्पताल में इलाज नहीं और मरीज परेशान, बेड की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ी हुई है उसे सुधारने के नाम पर कुछ नहीं। ये तस्वीरें देखिए, ये कई सारी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टरों की टीम के साथ क्या कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं जिस जगह पर, यहाँ पूरी डॉक्टरों की टीम है और इस टीम के साथ जो अस्पताल के अंदर काम करने वाले मेडिकल टीम में डॉक्टर, नर्स, ये तमाम लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये लोग कौन है? देखिए, डॉक्टर साहब की टीम है, डॉक्टर हैं, ये सहयोगी हो सकते हैं, असिस्टेंट हो सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि इन्होंने इलाज वाले कपड़े नहीं पहने कि अस्पताल में भर्ती हो, ऐसे कोई कपड़े इन्होंने पहने नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की तस्वीर इस तरीके से क्यों दिख रही है? हर जगह ये तस्वीर आने के बाद चर्चा, मुख्यमंत्री बीमार। मुख्यमंत्री इसलिए भी चर्चा में है कि बीमार हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मोदी कैबिनेट के दूसरे प्रमुख सहयोगी के यहां शपथ ग्रहण था तो वहां नहीं गए, उड़ीसा में नहीं गए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी के शपथ ग्रहण के बाद सीधे बिहार लौटे और उसके बाद कैबिनेट की उन्होंने बैठक कल की और उसके बाद आज उनकी ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। सीएम की यह तस्वीरें चर्चा में बनी हुई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तस्वीरें देखिए, हम आपको दो दो सिस्टम से यह तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार सीधे तौर पर अस्पताल पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने का मकसद क्या है, इन तस्वीरों का मकसद क्या है, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह तस्वीरें इस तरीके से क्यों दिखाई जा रही है, नीतीश कुमार ने तस्वीरें क्यों खिंचाई, मैसेज क्या है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेडिकल चेकअप कराने के लिए गए थे या दिल्ली, या इसके पहले जब मुख्यमंत्री विदेश गए थे मेडिकल चेकअप के लिए तब वहां डॉक्टरों ने सलाह दी? तो नीतीश कुमार को अपने स्वास्थ्य महकमे पर, स्वास्थ्य व्यवस्था और बिहार के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर मुख्यमंत्री जी को भरोसा नहीं है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेडिकल चेकअप भी बिहार के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में नहीं हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। सवाल हम इसलिए छोड़े जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना मेडिकल चेकअप कराने गए हैं, सोचिए जिस प्रदेश का मुखिया ही निजी अस्पताल के भरोसे मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं की बातें कर रहा हो और देश के, बिहार के गरीबों को बेहतर इलाज के दावे कर रहा हो, उसकी सच्चाई क्या होगी? ये तस्वीरें कई सवाल पूछ रही हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर आप मेडिकल चेकअप के लिए गए या फोटो सेशन के लिए गए, दोनों आपको बताना होगा। ये तस्वीरें निकलकर केवल सामने आई है, बताया जा रहा है कि यह पटना का निजी अस्पताल मेदांता की है और इस अस्पताल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक पहुंचे, कई जो है वो डॉक्टरों के टीम के साथ बातचीत भी की उन्होंने, की तकरीबन आधे घंटे तक मुख्यमंत्री अस्पताल के आसपास रहे, अस्पताल में रहे, अस्पताल परिसर में रहे, उस जगह पर मीडिया को बैन था। लेकिन सीएम का जाना और सीएम की तस्वीर आना सवालों के घेरे में। नीतीश कुमार बीमार हैं तो हम भगवान से कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर बीमार हैं और चेकअप के लिए अस्पताल गए हैं तो फिर सरकारी अस्पतालों का चुनाव उन्होंने क्यों नहीं किया? बिहार में IGMS, PMCH और एम्स तीनों मौजूद हैं, इन अस्पतालों को छोड़कर मेदांता ही, मुख्यमंत्री ने मेदांता को ही क्यों चुना? ये भी बड़ा सवाल है। सवाल बिहार के 13 करोड़ लोगों का है कि जब आप सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं करते हैं साहब, तो हम आप पर भरोसा करके उन अस्पतालों में क्यों जाएं जहां आपका विश्वास कमजोर है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।